शहीद ए आज़म भगत सिंह की अमर गाथा। भगत सिंह की पारिवारिक स्थिति। सरदार भगत सिंह का जन्म पंजाब के जिला लायलपुर आ पाकिस्तान में है के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 में आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी संवत 1964 विक्रमी शनिवार के दिन प्रातः 9 बजे हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती देवी था। भगत सिंह जब पैदा हुए तो सभी ने प्यार से उन्हें भाग्यवान कहकर पुकारा और दादी ने उसका नाम भगत सिंह रखा। इस परिवार के पूर्वज महाराजा रणजीत सिंह के समय खालसा दसरदार के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने सिखों को साम्राज्य के विस्तार में पश्चिम में पठान व पूर्व में अंग्रेजों के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी खालसा सरदार के वंश में सरदार अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह सिख होते हुए भी पक्के आर्य समाजी थे। वे स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आकर ही आर्य समाजी हो गए। उन्होंने मांस मदिरा को हमेशा के लिए त्याग दिया और वेद पाठी बन गए। वो नियम से हवन करते। अपनी इस विचारधारा के कारण उन्हें समाज में बहुत विरोध सहना पड़ा, पर वे अपने रास्ते से डिगे नहीं। एक बार पटियाला के आर्य समाजियों पर एक मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप था कि वे सिखों के गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत सोचती थी कि इससे वैमनस्य की भावना पैदा होगी और देश की आज़ादी की लड़ाई को इस आपस की फूट से नुकसान पहुंचेगा। एक बचाव कमेटी बनी और कई समझदार लोगों ने सरकार की फूट डालो और राज्य करो की चाल को नाकाम कर दिया। सरदार अर्जुन सिंह ने आगे बढ़कर ये प्रमाणित कर दिया कि वेद और ग्रंथ साहब दोनों एक ही बात कहते हैं। इस तरह मामला ख़त्म हो गया।